नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। स्वामी अग्निवेश के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम। अलगाववादी मसर आलम का समर्थन करना स्वामी अग्निवेश को उस समय महंगा पड़ गया जब हिंदू महासभा ने स्वामी का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की। हिंदू महासभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल सिवाच ने कहा कि मसरत आलम का समर्थन करने वाले स्वामी अग्निवेश भगवा चोले में देशद्रोह का काम कर रहे हैं। किसान गजेंद्र की मां ने ठुकराई केजरीवाल की माफी। दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह के परिजनों ने इस मामले के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए कहा कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता और उसे किसी ने उकसाया होगा। गजेंद्र की मां ने कहा कि माफी मांगने से अब क्या होगा, मेरे बेटे की तो जान चली गई। गजेंद्र की बहन रेखा ने कहा कि जब मेरा भाई पेड़ पर था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 मिनट के लिए अपना भाषण और रैली क्यों नहीं रोकी। गजेंद्र की बेटी मेधा ने कहा कि पिताजी फसल खराब होने के कारण परेशान जरूर थे लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वे खुदकुशी कर लेंगे। खत्म करना होगा सरपंच पति कल्चर, कहा नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतों में सरपंच पति संस्कृति समाप्त करने का आह्वान करते हुए शुक्रवार को गरीबी उन्मूलन तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार में निर्वाचित ग्राम प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व वाली भूमिका की वकालत की। मोदी ने यहां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में कहा कि कानून ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं, जब कानून उन्हें अधिकार देता है तो उन्हें अवसर भी मिलना चाहिए। इस सरपंच पति संस्कृति को खत्म किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने पर भी चिंता जाहिर की। चेन्नई हवाई अड्डे पर फिर टला बड़ा हादसा। चेन्नई के हवाई अड्डे पर फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा नीचे गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस महीने में इस तरह की यह तीसरी घटना हुई है। घटना घरेलू विमानों के उड़ान भरने वाले टर्मिनल डोमेस्टिक डिपार्चर के द्वार संख्या 7 पर हुई। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आगमन वाले क्षेत्र में भी 16 अप्रैल को फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा गिरा था, जबकि 1 अप्रैल को एक दरवाजे के शीशे का हिस्सा एक तकनीकी कर्मचारी पर गिर गया था जिसमें वह घायल हो गया था। मुंबई में मॉडल के साथ बलात्कार, 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग गिरफ्तार। मुंबई में मॉडल के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उत्पीड़न के मामले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 28 वर्षीय मॉडल द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार और अवैध वसूली की एक शिकायत के आधार पर इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मॉडल ने आरोप लगाया था कि 13 अप्रैल को उसे 3 पुलिसकर्मी साकीनाका थाना ले गए, उसे अवैध रूप से बंधक बनाया गया तथा यौन उत्पीड़न किया गया। उसे 5 लाख रुपए की अवैध रूप से वसूली भी की गई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।